नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं एक खबर के बारे में, इंडोनेशिया देश को लेकर कि इंडोनेशिया जो है वो क्यों बदल रहा है अपनी राजधानी। राजधानी बदल रही है, इसका मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बन जाता है बहुत महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ इंडोनेशिया जो है एक ऐसा देश है जिससे कि भारत ने फिलहाल ली है G20 की अध्यक्षता, तो सुर्खियों के अंदर बना हुआ था पिछले पूरे साल तक इंडोनेशिया, इसीलिए बन जाता है महत्वपूर्ण। और पर्यावरण को लेकर क्यों चिंतित हो रहे हैं लोग, फिलहाल तक इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो अब तक हुआ करती थी जकार्ता, और जानेंगे कि नई राजधानी क्या होगी और क्यों इसके द्वारा बदली जा रही है। चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ निकल कर आती है कि व्हाई इंडोनेशिया इज मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो, मतलब बोर्नियो नाम का एक आइलैंड है उसके ऊपर इनकी राजधानी बदलने वाली है। और जो राजधानी होगी उसका नाम होगा नूसंतारा नाम होगा और वो होगी बोर्नियो आइलैंड पर। नूसंतारा, न्यू संतरा करके आप इसको याद रख सकते हैं, नया संतरा टाइप का कुछ ऐसा ही होगा। इंडोनेशिया इज मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो, क्यों बदली जा रही है इसकी हम चर्चा करेंगे। वहाँ इस तमाम न्यूज़पेपर्स के माध्यम से इस खबर को आप देख सकते हैं। पहले चर्चा करते हैं थोड़ी सी, इंडोनेशिया जो है आखिर है कहाँ पर। तो 0 डिग्री की आपको लाइन दिखाई देती है अर्थ के ऊपर, जिसको कि हम इक्वेटर के भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी के ऊपर आपको यहाँ एक देश दिखाई देता है जो कि तमाम द्वीपों से मिलकर देश बना हुआ है, लगभग 17,500 द्वीपों से मिलकर ये देश बना हुआ है जिसको हम जानते हैं इंडोनेशिया के नाम से। तो जो देश इक्वेटर के ऊपर होते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मौसम जो है अचानक परिवर्तित हो जाता है और भूमध्य रेखा के पास जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाना एक खास बात है, और दूसरी इनकी यहाँ खास बात होती है कि यहाँ पर दिन के समय में लगभग 4 बजे डेली वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ पर्यावरण की अगर बात करें तो जैव विविधता जो है वो यहाँ पर हमें जो है बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, मतलब कई प्रकार के जीव जंतु इस एरिया के अंदर, इक्वेटर के पास वाले एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो राजधानी चेंज करने के बाद जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं उनकी समस्या जो है वो यहां से निकल कर आती है। और क्यों राजधानी चेंज होती है हम इसकी करेंगे चर्चा। इंडोनेशिया बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल, इंडोनेशिया ने जो है अपनी नई कैपिटल सिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है mid-2022 से, आफ्टर प्रेसिडेंट, यहाँ के जो फिलहाल में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जोको विडिडो, इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जकार्ता को इनके द्वारा बताया गया था द कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर हो गई है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ये जगह हो चुकी है, पॉल्यूटेड मतलब पूरी तरह से पॉल्यूशन हो चुका है इसके अंदर, कैपिटल दैट प्रोन टू अर्थक्वेक यानी भूकंप जो है यहाँ पर लगातार आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, एंड सबसे बड़ी कारण है सिंकिंग इनटू द जावा सी, इंडोनेशिया के नीचे जो जगह है उसका ना जो समुद्र है उसको हम जानते हैं जावा सी के नाम से। जावा सी के अंदर ये जो कैपिटल है 2050 तक पूरी तरह से सिंक हो जाएगी, ऐसा खतरा बना हुआ है, ऐसी बात निकल कर आती है, इसीलिए इसको चेंज करने का प्लान अभी से बना दिया गया है। नाउ द गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग इंडोनेशिया कैपिटल टू द आइलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड के अंदर जो जगह होगी नूसंतारा नाम की, उसके अंदर हम बन जाएगी इसकी कैपिटल। इंडोनेशिया के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम आइलैंड से बना हुआ देश है ये है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। और यहाँ से भारत जब यहाँ से निकलता है ये आपको भारत दिखाई देता है, और भारत से जब हम निकलते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो होती है वो इंडोनेशिया से होकर निकलती है, जिससे कि हम पैसिफिक ओशन के अंदर पहुँचते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है और ओसिनिया, ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है नीचे वाला, इस कॉन्टिनेंट का नाम जो है ऑस्ट्रेलिया हम सोचते हैं, लेकिन इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलिया ना होकर ओसिनिया इस कॉन्टिनेंट का नाम है, और ऑस्ट्रेलिया जो है महज एक देश है ओसिनिया कॉन्टिनेंट का। तो आप ओसिनिया जो कॉन्टिनेंट है उसको भी याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी जकार्ता से नूसंतारा हो गई है, एवं यह 17,508 द्वीपों वाले देश की जनसंख्या, लगभग 27 करोड़ इसकी जनसंख्या है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला देश जो है वो है इंडोनेशिया। जकार्ता एक खूबसूरत शहर है वर्तमान में, लेकिन बताया जाता है कि ये जो है पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गया है। जो रोड आपको दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार का रस लोगों का रोड के ऊपर दिखाई देता है, पानी जमने की जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया के अंदर यानी कि जकार्ता के अंदर हो चुकी है। तमाम कारण है जिसके कारण ये
निर्णय लिया गया है कि राजधानी जो है बदली जाएगी। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है, वर्तमान में इंडोनेशिया में जकार्ता आपको यहाँ दिखाई देती है, और ये शिफ्ट होने के बाद ये पूरा का पूरा बोर्नियो आइलैंड है, इसकी यहाँ पर ये जो है नूसंतारा नाम की जगह पर ये शिफ्ट हो जाएगी। उम्मीद है मैप के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझ में आया हो। इंडोनेशिया पासिस लॉ, एक कानून इनके द्वारा पास कर दिया गया था टू रिलोकेट कैपिटल टू रिमोट बोर्नियो। बोर्नियो के अंदर ये जो जनवरी 29, 2022 की खबर है, उसमें आपने देखा था कि एक कानून पास कर दिया गया था कि हम अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने वाले हैं। कानून पास होने के बाद ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जकार्ता इज सिंकिंग, जकार्ता जो है डूब रहा है। ये एरिया है पूरा का पूरा जकार्ता शहर वाला, और यहाँ देखते हैं हम जावा सी, ये तो लगभग मोर देन 2 इंचेस पर ईयर, 2 इंच पर ईयर जो है ये शहर जो है खिसक रहा है, यानी कि डूब रहा है पूरी तरह से। और 2050 तक लगभग इसका एक तिहाई हिस्सा, एक बहुत बड़ा एक तिहाई हिस्सा जो है इस शहर का, जकार्ता शहर का, पानी के अंदर डूब जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। व्हाई इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल, चर्चा कर चुके हैं। लगभग 10 मिलियन लोग जो हैं इसके अंदर रहते हैं, 10 मिलियन लगभग 1 करोड़ लोग इसके अंदर रहते हैं, और ये जो है बहुत बड़ी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई है। समस्या भी पॉपुलेशन के साथ साथ आती हैं। लगभग 1/3 ऑफ द सिटी, एक तिहाई शहर जो है 2050 तक डूबने की संभावनाएं हैं। और दो जगह ऐसी हैं इंडोनेशिया के अंदर जो अब तक डूब भी चुकी हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है बीटल आइलैंड जो कि डूब चुका है, और दूसरा है गुंडुल आइलैंड जो कि पूरी तरह से अब तक डूब चुके हैं। और ऐसी स्थिति में यदि इंडोनेशिया डूब जाता है तो उसकी जो कैपिटल क्या होगी नई, उसकी तैयारी जो है इन्होंने अभी से कर दी है शुरू। यहाँ देख सकते हैं मैप के माध्यम से, जो पीला वाला पॉइंट आपको दिखाई देता है वो हैं ऐसे पॉइंट जो कि बिलो सी लेवल है, सी लेवल के नीचे ये जो है पहुँच चुके हैं, मतलब समुद्र के नीचे ये पूरी तरह से अभी तक समा चुके हैं। उसमें आपको दिखाई देता है एक तरफ बीटल आइलैंड, बीटल आइलैंड कहाँ है, तो बीटल आइलैंड जो है आपको ये दिखाई देता है पीला वाला, और दूसरा है गुंडुल आइलैंड। ये दोनों के दोनों फिलहाल डूब चुके हैं। और बार्ली अबव सी लेवल, ये वाले जो छोटे छोटे नीले वाले पॉइंट आपको दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल बहुत थोड़े से ही समुद्र तल से ऊपर बचे हुए हैं। कुछ समय बाद जो है ये भी समुद्र के अंदर डूबने की पूरी तरह से आशंका, संभावना जो है वो जताई जा रही है। द मेन कॉज इज अनकंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर आपको लगा होगा कि बारिश ज़्यादा होती है तो ये बारिश के पानी को इकट्ठा करने के बाद पीने के प्रयोग में या फिर अपने काम में लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो है ज़मीन के अंदर से पानी निकालते थे और पानी को पीते थे। ऐसी स्थिति में जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हो चुका है पॉल्यूटेड, पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुका है। इट्स एयर एंड ग्राउंड वाटर आर हैवीली पॉल्यूटेड, ग्राउंड वाटर और इसकी हवा जो है बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है। इट फ्लड्स रेगुलरली, बाढ़ जो है रेगुलरली आती है यहाँ पर। दैट एस्टिमेटेड कंजेशन कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, लगभग $4.5 बिलियन का पर ईयर इनको नुकसान होता है इसी की वजह से, जो यहाँ पर बारिश आती है, बाढ़ आती है, उसकी वजह से इनका नुकसान काफ़ी मात्रा में होता है। प्रेसिडेंट जोको विडोडो एनविसेज दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल एज नोस्ट्रम फॉर द प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन होगा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नई कैपिटल सिटी ही होगा। जकार्ता हिट बाई सीवियर फ्लड्स, फ्लड्स जो है आना, भारत के अंदर भी कई जगह पर फ्लड्स आती हैं हर साल कुछ महीनों के लिए। मुंबई दिल्ली जैसे शहर जो हैं उनके अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, बेंगलोर जैसे बड़े शहर हैं उनके अंदर भी ये समस्या हो चुकी है, लेकिन भारत के अंदर जो बरसात का मौसम है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, इसीलिए हम इस समस्या को इतनी बड़ी समस्या नहीं मानते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां पर डेली बारिश होती है। अब डेली बारिश का मतलब है यहां की जो वाटर लॉगिंग की, पानी रुकने की जो समस्या है वो डेली की है, इसीलिए ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। व्हाट विल द न्यू कैपिटल बी लुक लाइक, किस प्रकार की होगी नई कैपिटल, यहां देखते हैं आप। यहां पर जो है नूसंतारा नाम की कैपिटल इनके द्वारा बसाई जाएगी। विडोडो जो है यहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है, उनके अगर प्लान की बात करें तो एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ नूसंतारा, एन ओल्ड जैवनीज टर्म, एक जावा यहाँ का टर्म है एक इंडोनेशिया का, जिसको कि आर्किपेलागो नाम के जानते हैं, इसी की तरह इसकी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। आप इस टर्म को याद रख सकते हैं, हो सकता है किसी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। इनिशियल एस्टिमेट्स वर दैट 1.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स वुड बी रिलोकेटेड, जो 1.5 मिलियन सिविल सर्वेंट हैं जो सरकारी लोग काम करते हैं सरकार के लिए, वो जो हैं शिफ्ट किए जाएंगे, वुड बी रिलोकेटेड टू द सिटी सम 2000 किलोमीटर, लगभग ये जो है 2000 किलोमीटर यहाँ जकार्ता दिखाई देता है, और जकार्ता के लगभग
नॉर्थ ईस्ट में जब आप देखते हैं तो लगभग 2000 किलोमीटर दूर ये जगह है जिसको कि नू संतारा नाम से जानते हैं, जो कि इसकी नई कैपिटल बन रही है। और प्लान्स की अगर बात करें तो कार फ्री जोन्स जो है वो बनाए जाएंगे शहर के अंदर, प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया जाएगा, फॉरेस्ट डिस्कवरी सेंटर बनाया जाएगा, बॉटनिकल गार्डन, मरीन कोस्टल पोर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर डेवलप की जाएंगी, जो कि एक आधुनिक शहर के अंदर होती हैं। द सिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी इनोग्रेटेड ऑन अगस्त 17, मतलब इसी साल 17 अगस्त को इसका जो है इनोग्रेशन हो सकता है। और फाइनली ये कब तक हो पाएगी, तो 2045 तक ये जो है अपने फाइनल रूप में ले पाएगी, ऐसी जो है जानकारियां आई हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो क्यों परेशान हैं इसको बनाने को लेकर, क्योंकि जब हमने बारिश देखी थी और देखा था हमने कि किस प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो ये जो एरिया है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। बड़ी मात्रा में यहाँ फॉरेस्ट हैं, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है और बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जहाँ पर विकास आता है, विकास की यदि हम बात करते हैं, जहाँ भी विकास होता है तो उसके साथ साथ विनाश की कुछ ना कुछ संभावनाएँ जो हैं लगातार बनी हुई रहती हैं। तो इसी से चिंतित हैं एनवायरमेंटलिस्ट कि जब इतना बड़ा शहर डेवलप किया जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होंगे, पर्यावरण को कॉम्प्रोमाइज़ जरूर कहीं ना कहीं करना होगा। तो इसी पर्यावरण की जो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये चिंपैंजी टाइप के जो जानवर हैं यहाँ पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं छोटे बड़े, तो इनको काफ़ी हद तक नुकसान होगा और कुछ विलेजर्स जो हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि लोकल विलेजर्स जो रह रहे होंगे उनको दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। लगभग 100 इंडिजीनियस बालिक पीपल जो हैं वो सारे के सारे इधर से उधर किए जाएंगे, गांव एक से जगह दूसरी है, लेकिन सरकार का कहना है कि उनको पूरी तरह से हम कंपनसेशन कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और बजट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो नूसंतारा जो है एक चीफ ऑफ अथॉरिटी के अंडर में होगी, इस चीफ का दर्जा जो है कैबिनेट मिनिस्टर का होगा। नई राजधानी को वर्ल्ड सिटी विजन के तहत तैयार किया जाएगा, पूरी तरह से जो वर्ल्ड सिटी होती हैं उसकी तरह इसको डेवलप किया जाएगा, जैसे कि दुबई और सिंगापुर को हम देखते हैं। संसद द्वारा पास किए गए बिल में टोटल बजट का जिक्र अभी नहीं किया गया है, माना जा रहा है कि यह खर्च करीब $33 अरब का होने वाला है, यह पैसा राष्ट्रीय बजट से आएगा। तमाम सरकारी ऑफिस और एम्बेसीज जो हैं नूसंतारा ही शिफ्ट की जाएंगी, क्योंकि राजधानी का असली मतलब जो है वो यही होता है कि जहां पर तमाम विदेशों के जो डेलीगेट्स होते हैं वो आते हैं, मीटिंग्स चलती हैं, और आपका देश जो है जिस भी देश के अंदर जो भी तमाम सरकारी सेक्रेटरीट के अंदर लोग बैठते हैं, देश को चलाते हैं, मंत्रालय होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है कैपिटल सिटी के अंदर होती हैं। तो एक महत्वपूर्ण शहर होता है और वर्ल्ड क्लास शहर ही डेवलप करने की तैयारी इंडोनेशिया के द्वारा की जाती है। बात करते हैं थोड़ी सी भारत के बारे में, तो हालांकि जो एंसेंट भारत है उसके अंदर कई तरह से हमारी राजधानियां जो है चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि मुगलों ने अपनी अलग राजधानी बनाई थी या फिर अलग, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारी राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कलकत्ता, लेकिन 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने इसे दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया था, और इस शिफ्टिंग में लगभग 20 साल लग गए थे और अंततः 13 फरवरी 1931 को दिल्ली देश की राजधानी बनी थी। तो यहां आप महत्वपूर्ण तथ्य याद रख सकते हैं कि जो प्रस्ताव पास किया गया था वो किया गया था 11 दिसंबर 1911 को, और जो बनी थी राजधानी वो बनी थी आधिकारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली। माना जाता है कि कोलकाता को सुदूर हिस्सा मानते थे, मतलब कोलकाता जो है काफ़ी ईस्ट के अंदर हुआ करता था, इसी वजह से पूरे देश के अंदर एक सेंट्रल जगह दिल्ली आ जाए और उससे जो है पूरे देश के अंदर नियंत्रण रखना आसान होगा, इसीलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। उम्मीद है साथियों आज का पूरा सेशन आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।